नेम लगा दीजिए कि पोल्यूशन प्रो का डेकोरेशन है, नो प्लास्टिक, नो वेजिटेबल्स, नो वेस्टेज, इसके बिना डेकोरेशन करना है। और डेकोरेशन करना तो जैन थीम के आधार पर करना है, क्षमापना के थीम के आधार पर करना है, अंतगढ़ के 90 महापुरुषों के आधार पर करना है। इस निमित्त से कम ये जनरेशन देखेगी तो सही क्या है। दो समय प्रार्थना है, उसके सामने क्या करना है? कोई आरती नहीं, कोई दिया नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई नारियल नहीं, कोई मोदक नहीं, कोई लड्डू नहीं। इस त्योहार की खोज में दुनिया है, बाकी सारे त्योहारों में दुकानदारी है। बिना दुकानदारी का कोई त्योहार हो सकता है? बोलो। हाँ? कोई भूंदगिरी नहीं, किसी व्यक्ति का कोई सवाल नहीं। है कौन क्षमा, है कौन मैत्री, है कौन संयम? जिन मूल्यों की जरूरत है वो मूल्य इसके माध्यम से सहज पहुंच जाएंगे। दो समय की प्रेयर वो भी बनी हुई है, आपको सुना दी दिया कि थोड़ी देर के बाद, जय सिद्धा विजय सिद्धा संवत्सरी पर्व की वो आरती, सुबह और शाम परिवार साथ में बैठ गया, आरती कर ली, अपने गली के लोगों को बुला लिया, आसपास के लोगों को बुला लिया, आ जाएंगे। 58 को क्यों ला, नहीं आई ला, लेकिन उठे गर्व में, हाँ हमारा पर्व है, देखो ये डेकोरेशन देखने के लिए आ जा। और एक ही जिया जिया पंच गाथा का हर व्यक्ति ने वहां कम से कम 27 बार, मैक्सिमम 108 बार जाप करना घर में। पॉसिबल इम्पॉसिबल? मैं अभी चौथी बार बोल रही था, नहीं रिस्पांस देवन की कंजूसी छोड़ो, नहीं तो पीछे क्षमा पना रपेली मैंने कही तो भी बोलनो पड़ी ला, है ना? पॉसिबल इम्पॉसिबल? किसके घर में? मेरे घर में, तुम्हारे घर में, पड़ोस वाले के घर में, आपके घर में? हाँ जरा वो भी देख लो। और अगला सूत्र है जो साधना का सूत्र है, 7 दिन 7 कलर का खाना है, इनकी जिम्मेदारी, 9 कलर, रोज वही पापड़ मेथी बड़ी मोगर हो गए खाओ, 7 कलर, 8वें दिन कलरलेस, 8वें दिन कलरलेस, नो डाइट, नो कैलोरी, नो कलर, 7 days 7 मेनू, कोई मेनू 7 डेज में रिपीट नहीं होना चाहिए। बुरा मत मानना, आधा तो थका कारण से परिशन परोसे नाक मुंह सिकड़े, सवेरे वोच, दोपहरे वोच, शाम का वोच, ओके यार क्या हो गया यार, आज भी वोच, काले भी वोच, परसों भी वोच। थाने रोज नया कलर की साड़ी चाहिए, तो 7 days के 7 कलर का डाइट, और 7 कलर का डाइट दो तो बच्चे याद करी ना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वह सब्जी नहीं, वह सब्जी नहीं, 7 कलर वह कलर, हाँ बच्चे खुश हो जाएंगे, आज का ये कलर, कल का वो कलर।
और माँ बाप ने बेटों के साथ साल भर में क्या क्या जुलूम किया, उसके माँ बाप ने कन्फेशन करके वहां लिख के रख देना। आलोचना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो एक दिन आठा मिच्छा में दुकड़ा, अरे क्या रो मिच्छा में दुकड़ा बोले तो कोई मालूम नहीं पड़े यार। साल भर में मैंने मेरे संतति के साथ क्या गुस्ताखी करी, क्या झूठ बोला, क्या छिपाया उनसे, क्या जुलूम किया उन पर, उसको जरा एक्सेप्ट करते हुए उनकी क्षमा मांगना शुरू करो ना, और लिख करके रख दो वहां पर, बेटा मैं तेरे साथ ऐसा गया, बेटी मैं तेरे साथ ऐसा गया, और बेटे ने माँ बाप के साथ किया वो भी बेटे ने लिखना है। फिर अगला दीरानी जेठानी उशीला तो उनको, ननंद भाभी रो, भाई भाई का भाई बहन का, नौकर मालिक का, मालिक नौकर का, पर कई नंबर लग जाए तो गुरु के साथ तुमने कुछ किया हो तो उसका भी कर लेना। और सच बोलूं, आज सच बोलने की परमिशन है ना, सबसे ज्यादा जुलूम तुम किने पर करते हो, सबसे ज्यादा इंसल्ट तुम किसी का करते हो, सबसे ज्यादा उपेक्षा तुम किसी की करते हो। तो तीर्थंकर परमात्मा और तीर्थंकर परमात्मा के साधु साधियों की अनुष्ठान यस नो मंगल पाठ नहीं मिला तो तुम्हारी नजरें देखने जैसी हो रही है, पंथे वन्नाकरण नहीं आया तो प्रवीण ऋषि कहीं नहीं कर सके। दर्शन करना कंपलसरी के मंगल पाठ सुनाना कंपलसरी, बोलिए जल्दी से, देखिए आपका क्या चलता है। महाराज अपने घर नहीं आया तो महाराज रोम थे, महाराज साहब घरे नहीं आए तो महाराज साहब कहीं नहीं बोल सके। मैं थाने रिक्वेस्ट करूं थोड़े महाराज घरे पगले करता जाओ, ये माहौल बनना चाहिए, घर का माहौल। और एक केवल एक छोटा सा सूत्र के परिवार ने 7 दिन तक परिवार के साथ अपने धर्मस्थान में, जिस एरिया में तुम हो, जिस गली में तुम हो, जहां जो धर्मस्थान नजीक है, भवन है, मंदिर है, उपासना है, स्थानक है, जो है वहां, मैं नहीं कह रहा हूं गणेश बाबा, मुझे कोई तुमको प्रवीण ऋषि के साथ नहीं जोड़ना है, मुझे जोड़ना है तो परमात्मा के साथ जोड़ना है, धर्म संस्था के साथ जोड़ना है। जो भी आपका धर्म स्थान है, वो चाहे मंदिर हो, चाहे स्थानक हो, चाहे भवन हो, चाहे उपाश्रय हो, 8 दिन 7 दिन पूरे परिवार ने 24 घंटे में एक बार आकर के वहां 11 नौकार मंत्र का जाप करना है। कम से कम 7 दिन तो उनको स्थानक में लाने की रिवाज शुरू करो ना। 7 days मैं व्याख्यान का नहीं कह रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण का नहीं बोल रहा हूं, मैं किसका बोल रहा हूं, केवल 24 घंटे में कभी भी आकर के परिवार के साथ अकेला आना नहीं, परिवार के साथ आना, 11 नौकार मंत्र का जाप करना, चले जाना।
बोलिए माहौल बन पाएगा नहीं बन पाएगा? आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। और पॉसिबल हो आपके घर में किसी को प्रतिक्रमण आता हो तो घर में प्रतिक्रमण परिवार के साथ करो। कहां प्रतिक्रमण करने के लिए कह रहा हूं मैं आपको? घर में परिवार वालों के साथ प्रतिक्रमण करो। और बिल्कुल आराम से उनको जहां जहां जो जो समझा सकते हो, जो जो विश्लेषण कर सकते हो, उस विश्लेषण के साथ परिवार के साथ प्रतिक्रमण करो, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रतिक्रमण करो। वे प्रतिक्रमण का आनंद ले पाएंगे। यदि तुम्हें प्रतिक्रमण नहीं आता हो तो इस स्थानक में आओ और वहां भी परिवार के साथ आओ। परिवार के साथ आकर के स्थानक में करो। और यदि इस घर में आपको आता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको प्रतिक्रमण आता है, घर में किसी सदस्य को प्रतिक्रमण आता है, तो प्रतिक्रमण घर में ही करो। कि घर के प्रतिक्रमण में सारे सदस्य आराम से इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहां तो पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रतिक्रमण कर रहा है कि एक दूसरे के कपड़े को गांठ मार रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा हमारा साहब 58 के, मैं इसलिए कह रहा हूं, जिनके घर में कोई प्रतिक्रमण करने वाला नहीं है वो संघ के आंगन में आए, वो परिवार के साथ संघ के आंगन में आकर प्रतिक्रमण करे। ये है मेरा छोटा सा सूत्र घर में पर्युषण पर्व मनाने का। मैं गुरु आनंद चतुर्मास समिति का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक छोटे से संकेत के आधार पर कहा कि डेकोरेशन की कंपटीशन है, यस, और इसकी डेकोरेशन की उन्होंने कंपटीशन रखी है। 21,000, 11,000, 9,000 का पुरस्कार रखा है। 11 पुरस्कार के नियमों भी मैंने कोई कंपलसरी नहीं करा कि मोमबत्ती लगाकर करना, वो भी नहीं किया मैंने। जो आपकी परंपरा, जैसी आपकी आमनाएं, जैसी आपकी मान्यता है कि संवत्सरी पर्व ये इंसानियत का पर्व है, ये विश्व का पर्व है, ये यूनिवर्सल फेस्टिवल है, और उसको उस रूप में संपन्न करने की जिम्मेदारी समय के साथ आपके और मेरे कंधों पर आई है। हम सौभाग्यशाली होंगे, हम अपने आप को गौरवान्वित करेंगे यदि इस पर्व को हम दुनिया के कोने कोने में एक गरिमा के साथ पहुंचा सके तो एक चैन की सांस की नींद लेंगे। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव शुरू किया, उसके पहले कोई गणेश उत्सव की परंपरा नहीं थी, और आज वो गणेश उत्सव कहां पहुंच गए कल्पना करो। जिस उद्देश्य उन्होंने शुरू किया था वो नहीं रहा, लेकिन आपके यहां पथ भ्रष्ट होने की संभावना बहुत कम है। जो स्ट्रक्चर जो दिया है वो संयम का दिया है, वो अनुष्ठान का दिया है, वो ग्लैमर का नहीं दिया है, वो असंयम का नहीं दिया है। स्ट्रक्चर देते समय ही संयम का दिया है। इसलिए और एक छोटा सा बैच भी आप बना सकते हो, लगा सकते हो, शायद बन जाए तो आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। फॉरगिवनेस फेस्टिवल खामेमी खमंतु में एक्सेप्ट माय फॉरगिवनेस, मेरी क्षमापना को स्वीकार करो, और उसको लगा के घूमो 8 दिन। लोग पूछेंगे आपका त्योहार चल रहा है, वो आराम से अनुमोदन करेंगे, आराम से जुड़ेंगे। एनी क्वेश्चन? एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि फूलों की नगरी में पर्युषण पर्व के फूल खिल जाए,
क्षमापना के फूल खिल जाए, मैत्री के फूल खिल जाए, और ये फूल खिलाने की जिम्मेदारी मालिक ही है, और आप सब मालिक हो, आप सब मालिक हो, अपने घर के मालिक हो, समाज के मालिक हो, धर्म के मालिक हो। आओ अपने चमन को गुलजार करें, चमन गुलजार हो तो माली गुलजार होता है, और चमन में पतझड़ आ जाए तो माली के चेहरे पर भी पतझड़ आती है। चमन को गुलजार देख करके ही माली को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। ताओ इस तरीके से परिशन पर्व को मस्ती से मनाओ, उत्साह से मनाओ, उल्लास से मनाओ, उमंग से मनाओ। इसके अलावा जिन्हें परिशन पर्व की रेसिडेंशियल आराधना करनी हो, उनके लिए 8 दिन की एक व्यवस्था यहां पर उपलब्ध है। उसके लिए एक नियमावली तैयार हो चुकी है, उसका भी पोस्टर आपके पास पहुंच जाएगा कि 8 दिन यहां रहना है, कैसे रहना है, क्या क्या उनका द्रिंकम सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उनकी क्या चर्या रहेगी। आप उसको कह सकते हो रेसिडेंशियल पर्यूषण शिविर, रेसिडेंशियल पर्यूषण शिविर आराम से कर सकते हो, और जरूर करिए। कम से कम उन 8 दिनों में तो थका घर वाला शांति से रह जाए, कम से कम थके बवा तो केला कि अब 8 दिन कोई टोकन वालों को नहीं है ना। अगली बार वे भी पर्यूषण परोरो इंतजार करी आराम से कर सकते हो। ये कल्पना थी और इस बात को आपके सामने रखना था, इसलिए आज का ये विषय मैंने लिया। पुरुषन पर्व अपने 27 को शुरू हो रहे हैं, अपने पड़ोस में 26 से शुरू हो रहे हैं। अशोक जी ने मुझे कहा कि 8 दिन मत लिखो, 9 दिन लिखो। मैंने कहा ओके, अपना ने कहे 10 दिन करो ना यार, अपन तो खुश है, 26 से शुरू करो, अपने क्या दिक्कत है। जितनी धर्म आराधना होगी उतनी शासन के अकाउंट में आएगी, इसलिए दोनों का ही अभिनंदन है, दोनों का ही स्वीकार है, 26 वालों का भी, 2 वालों का भी, 27 वालों का भी, 3 वालों का भी। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू है, अपने को क्या दिक्कत है। 2 दिन आलोय ना करेंगे, 2 दिन खमाते ना करेंगे, अपने क्या दिक्कत है। जरा 2 दिन की छुट्टी हमें तो थे, 2 दिन की छुट्टी मनाओ कि नहीं मनाओ यार, तो 2 दिन के संबंध नहीं, उसमें क्या है। ऐसा ये छोटा सा रूपरेखा आपके सामने रखी। अगले 25 तारीख को संडे को सुबह 8 से 9 अरहम मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है, अरहम का पेंडल पहनाने का कार्यक्रम है जो पिछले 2011 के चतुर्मास में भी पहनाया गया था, और इस बार उस कार्यक्रम का वो पेंडल का अरहम के पेंडल का लाभ ले रहा है ऋषिलाताई राजेंद्र जी मरलेचा परिवार, उनकी ओर से वो पेंडल स्पॉन्सर हो रहा है, और उसके बाद आगे कार्यक्रम आएगा ही पर्युषण पर्व के बाद भी।